हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम आज के राशिफल में। दर्शकों, ये जो राशिफल आपको बताया जा रहा है, ये एक साधारण सी गणना जिसे हम ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जानते हैं, मुख्यतः चंद्रदेव के गोचर पर यह आधारित होता है। ये किसी के जीवन में घटित हो सकता है और हो सकता है किसी के जीवन में घटित ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसकी अपनी निजी कुंडली में मौजूद ग्रह योग और चल रही दशाओं अंतर दशाओं पर, साथ ही साथ उसकी वर्ष कुंडली के योगों पर और उसके अपने वर्तमान के अंदर जो वह कार्य कर रहा है, जो उसकी क्रियमान कर्म है, उस पर भी आधारित होती हैं। इसलिए इसे अंतिम सत्य के रूप में लेना आपकी अपनी सूझबूझ और अपने विवेक पर निर्भर करता है। काफ़ी बार आप लोगों को आपकी सही लग्न राशि या फिर सही जन्म राशि मालूम नहीं होती, जिसके चलते आप गलत राशि का चुनाव करते हैं और आपको राशिफल में और अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं में कुछ असमानता देखने को मिलती है। जब भी राशिफल सुने या देखें, आप कोशिश करें अपनी जन्म की लग्न राशि या फिर अपनी जन्म की चंद्र राशि से देखें, तभी आपको कुछ सटीकता देखने को मिल सकती है, अन्यथा नहीं। दर्शकों, बात करते हैं आज के भाग्यवर्धक उपाय की। रविवार का दिन है, सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम दिन है। आज के दिन आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्योदय होने से पहले ही उठ जाएं और अपने घर की छत पर चले जाएं। उदय होते हुए सूर्यदेव के दर्शन करें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सूर्य नारायण देव को जल चढ़ाएं और जो भी आपकी मनोकामना है, आशा है, वह अपने मन में संकल्प के तौर पर रख लें। देखना, लगातार अगर आप यह क्रिया रविवार से शुरू करके करते हैं तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ण होते हुए जरा भी समय नहीं लगेगा और जल्दी आपको इसके चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेंगे। चलिए दर्शकों, अपने अनुभव हमारे साथ हमारे चैनल पर जरूर शेयर किया करें। बात करते हैं आज के राशिफल की। 24 फरवरी 2019 दिन रविवार किस राशि के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन बड़ा ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। आज खास तौर पर आपके दांपत्य जीवन का सुख आज बढ़ सकता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो उसमें भी आपको निखार देखने को मिलेगा, पब्लिक अपीयरेंस बढ़ेगी आपकी। व्यवसाय के अंदर अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो भी आपको सफलता का योग बनेगा, आपके सुखों में वृद्धि होगी। प्रियजनों से मुलाकात हो सकती है। भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई लेन देन है तो उसमें भी आज आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और आपकी मनोकामनाएं उस क्षेत्र से संबंधित पूर्ण होती हुई नजर आएंगी। दर्शकों, बात करना चाहेंगे यहाँ पर सेहत की, तो सेहत आज अच्छी नजर आ रही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक हैं उनके लिए भी दिन बहुत सुंदर है। प्रेम प्रसंगों में जबरदस्त सफलता का योग दिखाई दे रहा है और दांपत्य जीवन की खुशियां पहले से मधुर हो रही हैं। कैरियर को लेकर थोड़ी सी चिंता मन में, डर भय बना हुआ है, कैरियर से हटने की तरफ भी मन कर रहा है। चलिए दर्शकों, बताना चाहेंगे यहाँ पर जॉब करते हैं अगर आप, तो आपके लिए आज का दिन अच्छा साबित हो सकता है, और बिजनेसमैन हैं तो भी आपके लिए दिन अच्छा साबित होगा। इनकम उतनी हो रही है जितने में आपके कार्य चलते रहे, मैं लगातार कह रहा हूं, क्योंकि यह योग बना ही हुआ है। अगर आप अधिक इनकम चाहते हैं तो आपको मेहनत अधिक करनी होगी। आपकी ज़रूरतें इस समय पूरी हो रही हैं, लग्जरी की तरफ आपका ध्यान अगर है, अगर आप कुछ ऐशो आराम भी करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत को बढ़ाना होगा, क्योंकि कहते हैं दोस्तों, अपनी मेहनत से हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, कर सकते हैं, कम से कम प्रयास तो कर ही सकते हैं, बाकी कर्म करें और फल प्रभु पर छोड़ दें। बचत यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। आज के दिन यदि आपका कोई कंपटीशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। प्रयास करना, सफल होंगे। कंपटीशन इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहें तो आपको आज सलाह दी जाती है किसी धर्म स्थान पर हरी सब्जियों का दान करना, हरे फल भी आप रख के आ सकते हैं, इससे आपकी सफलता का मार्ग जरूर प्रशस्त होगा। दर्शकों, बताना चाहेंगे यहाँ पर भाग्यवर्धक रंग जो आ रहा है आपके लिए, वह आ रहा है केसरी रंग, और भाग्य प्रतिशत यहाँ बनता हुआ नजर आ रहा है 54%। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी वाणी पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने आस पड़ोस के साथ अपना तालमेल आज अच्छा बनाए रखने का प्रयास करना, क्योंकि थोड़े से संबंध कटु होने की यहाँ संभावना है। गलत कम्युनिकेशन के कारण आपकी जो स्थिति है वो विवादात्मक विवादों में आप आ सकते हैं, यानी कि विवादात्मक भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करना। यात्रा करते हैं थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। चलिए, सेहत आज आपकी मध्यम नजर आ रही है। पुराना रोग आपको आज कुछ परेशान कर सकता है। ऋण लिया हुआ है तो वह भी आपको थोड़ा सा चुकाना पड़ सकता है, और शत्रु पक्ष हैं तो उन पर भी आज आपको विशेष निगरानी रखने की
सलाह दी जाती है। विद्यार्थी हैं तो कंपटीशन अधिक करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करने की सलाह। जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन अधिक होगा लेकिन सफलता प्राप्त करेंगे, और दांपत्य जीवन का खुशियां जो हैं वो भी यहाँ पर मध्यम नजर आ रही हैं। पेरेंट आपके जो इनलॉज हैं उनका इंटरफेरेंस थोड़ा सा आपकी लाइफ में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दर्शकों, होता है, सभी के साथ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, और प्रेम प्रसंगों में मध्यम सफलता का योग रहेगा। कैरियर की अगर हम बात करें तो भैया मेहनत करने की सलाह रोजाना मैं कहता हूँ, इस समय योग ऐसा बना हुआ है जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता मिलेगी, और जॉब करते हैं आप तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, सर्विस में आप सफलता प्राप्त करेंगे। बिजनेसमैन है तो खर्च का योग अधिक दिखाई दे रहा है, इनकम पार्टनरशिप के माध्यम से होती हुई नजर आ रही है, नए गठजोड़ नए समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे, और जो बचत है वह आपकी यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। आज के दिन यदि आपको कोई कॉम्पिटिशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बना हुआ है, प्रयास करें, सफल होंगे कंपटीशन और इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए। यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको चाहिए सफेद रंग की वस्तुओं का दान किसी धर्म स्थान पर करेंगे तो आपको आज लाभ हो सकता है। इसी के साथ भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए बन रहा है, लाइट पिस्ता कलर, और भाग्य प्रतिशत यहां पर नजर आ रहा है 63%। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा कहा जा सकता है। आज खास तौर पर धन में वृद्धि का योग संतान के माध्यम से बनेगा। आज अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी एजुकेशन से, अपने अनुभव से अपने आप को एकदम लबालब महसूस करेंगे। आपकी यंत्र मंत्र तंत्र शक्ति आज बढ़ती हुई नजर आएगी, क्रिएटिविटी आज आपकी बढ़ेगी। जो कार्य आपने पूर्व समय में आपने किए हुए उनका फल आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि पुण्यों की प्राप्ति का आज दिन रहेगा। दांपत्य जीवन की भी खुशियां यहां पर आज बढ़ सकती हैं, लवर मास में वृद्धि होगी, प्रेम प्रसंगों में जबरदस्त सफलता का योग बनेगा। सेहत आज आपकी अच्छी नजर आ रही है, विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है, विद्या बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक भी सफल होते हुए दिखाई देंगे। प्रेम प्रसंगों में सफलता जैसे कि मैंने बताई दी है, दांपत्य जीवन के खुशियां भी आज बढ़ती हुई नजर आएंगी। कैरियर आपका थोड़ा सा कॉम्पिटिशन अधिक करना पड़ सकता है लेकिन आज आप अपने अनुभव से उसे भी थोड़ा सरल कर लेंगे। जॉब करते हैं अगर आप तो आपके लिए अच्छा दिन है आज, अचानक से धन वृद्धि का योग, अचानक से जॉब में वृद्धि, यानी कि अगर आप बेरोजगार भी हैं तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई ऐसा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है जिससे आपको लगेगा कि आपकी नौकरी अब पक्की हो गई या फिर नौकरी पक्की हो सकती है। दर्शकों बताना चाहेंगे यहां पर, हाँ, बिजनेसमैन उनके लिए थोड़ा सा दिन मध्यम कहा जा सकता है, हालांकि अचानक से कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। इनकम अच्छी बनी हुई है और बचत यहाँ पर आज अच्छी नजर आ रही है। प्रेमी प्रेमिका संतान एजुकेशन के माध्यम से आप अपनी बचत को करने में कामयाब होंगे। अब आप कहेंगे वो कैसे, भैया वो भी आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं। आज के दिन कॉम्पिटिशन है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा, प्रयास करना, सफल होंगे कॉम्पिटिशन इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए। आज उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो आपको चाहिए आज अपने जो भी आपके समीप धर्म स्थान है वहां पर जाकर आप लाल मसूर की दाल का दान करें, आपकी सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए आ रहा है पिंक कलर, और भाग्य प्रतिशत यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है 67%। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुखों से भरा हुआ रहेगा। भूमि प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद से संबंधित कोई लेन देन हो सकता है, कोई आप उनके सुख बढ़ा सकते हैं। आप सुखों को भोगने का अधिक आज प्रयास करेंगे, मन में चंचलता अधिक छाई रहेगी, मन भटकेगा, भावनाओं पर भी आज आपको नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। एक सावधानी भी आपको बताना चाहूंगा, आज किसी बड़े कार्य के शुभारंभ से बचने का प्रयास करना। चंद्रबल आज आपका कमजोर रहेगा, हो सकता है किसी बात पर आपको मानसिक तनाव भी हो जाए। मानसिक शांति की तलाश आपको आज अधिक रहेगी, सुखों की तरफ क्रेविंग्स अधिक रहेंगी, आप अपने कंफर्ट्स को बढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। और सेहत आज आपकी अच्छी नजर आ रही है, विद्यार्थियों के मन में चंचलता छाई रहेगी, एकाग्रता की कमी हो सकती है, और जो जातक उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन लगभग ठीक है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता का योग यहाँ पर मध्यम बना हुआ है। दांपत्य जीवन की खुशियाँ यहाँ पर थोड़ी कम है। कैरियर के लिहाज से दिन ठीक चल रहे हैं। जॉब करने वाले जातक हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और बिजनेसमैन हैं उन्हें भी संभल कर चलने की आज सलाह दी जाती है। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम यहाँ पर संघर्ष करने के बाद ही होगी। ननिहाल पक्ष, मामा पक्ष, शत्रु पक्ष से इनकम, यानी कि कंपटीशन करने के बाद ही इनकम हो, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। और बचत की अगर हम बात करें तो वह यहाँ पर
अटके हुए धन से, रुके हुए धन से, कोई LIC, जीवन बीमा, इंश्योरेंस सेक्टर, वसीयत, यहां से कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है, अज्ञात धन आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी बैंक बैलेंस और सेविंग बढ़ सकती है। आज के दिन यदि आपका कोई कॉम्पिटिशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। प्रयास करें, सफल होंगे अधिक मेहनत करने के बाद। मन को एकाग्र करना आज बहुत जरूरी होगा। फोकस नहीं रहेगा तो कंपटीशन में थोड़ी सी मुंह की खानी पड़ सकती है। इसलिए उपाय भी अगर आप करना चाहें तो आपको चाहिए कि आज आप पीली चने की दाल किसी धर्म स्थान पर दान करें और उसके बाद अपने काम पर निकल जाएं। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए आ रहा है केसरी रंग, और भाग्य प्रतिशत यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है 71%। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर कहा जा सकता है। छोटी दूरी की यात्रा लंबी दूरी की यात्रा में बदल सकती है। यात्रा करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, यात्रा करने का योग बनेगा। पड़ोसियों के साथ, अड़ोसियों के साथ घूमने फिरने, छोटे भाई बहनों के साथ और जो आपके कलीग्स हैं उनके साथ आज आप अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखने का प्रयास करना। जितनी बेटर ट्यूनिंग आज आपकी होगी उतना दिन आपके लिए बेहतर होगा। और थोड़ा सा सतर्क रहें, अब बात करते समय, किसी से कम्युनिकेट करते समय, यात्रा करते समय और अपनी रिलेशनशिप बनाते समय, ठीक है जी। ये आपको सावधानी भी मैंने बता दी है। सेहत आज आपकी अच्छी नज़र आ रही है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्तम है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक हैं तो दिन अच्छा है। प्रेम प्रसंगों में मध्यम सफलता का योग। दांपत्य जीवन की खुशियां थोड़ी सी उदासीन और थोड़ी सी ठीक, यानी कि मध्यम फल आज आपको देखने को मिलेगा। कैरियर के लिए आज से दिन अच्छा है। जॉब करने वाले जातक हैं तो थोड़ा सा मन में विरक्ति की भावना जागृत है इस समय। कुछ चेंज करने के लिए भी आप सोच सकते हैं। और बात करें यहाँ बिजनेसमैन के लिए तो उनके लिए दिन मध्यम है। विलंब के बाद कार्य होते हुए नजर आएंगे, यानी कि थोड़ी डिले के बाद कार्य होंगे, लेकिन श्योरिटी है कि हो जरूर जाएंगे। आप प्रयास करते रहना। दशकों काफ़ी सारे योग बनते हैं जो मैं इस समय यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाता है। तो अभी एक प्रोग्राम की सीरीज़ की और शुरुआत करने की हमने सोची है, उसमें आपको धीरे धीरे डिटेल में ज्योतिष के पहलू बताएंगे और आपके जीवन में घटित होने वाली जो घटनाएं होती हैं उनको आपके ग्रह कैसे कंट्रोल करते हैं, ग्रहों का कैसे प्रभाव पड़ता है और किस ग्रह का क्या प्रभाव पड़ता है, वो सब आपको बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनकम आपकी अच्छी नजर आ रही है और बचत भी आपकी अब ठीक नजर आ रही है। आज के दिन यदि आपका कोई कंपटीशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। प्रयास करें, सफल हो सकते हैं। कॉम्पिटिशन और इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहें तो आपको आज किसी धर्म स्थान पर बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ सामान, वह आपको डोनेट करना है जहां पर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही हो। चलिए, भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए बनेगा केसरी रंग, जो आपकी सेहत को बढ़ाएगा, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, आपके हाँ थोड़ा सा अहंकार भी बढ़ा सकता है, उससे थोड़ा सा बचने का प्रयास करना। यदि ऑलरेडी आपके अंदर अहंकार अधिक है तो इसका लाइट वर्जन आप यूज कर सकते हैं, करना तो यही है। आगे बढ़ते हैं। भाग्य प्रतिशत यहाँ पर नजर आ रहा है 75%। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी अच्छा कहा जा सकता है। इनकम गेन होने का योग, संपत्ति बढ़ने का योग, आपकी खास तौर से रत्न आभूषण अच्छे होंगे आज, वाणी अच्छी होगी, मनपसंद भोजन खाने को प्राप्त हो सकता है, मुंह में मिठास घुली होगी आज, कुटुंब में भी वृद्धि होगी, गेन्स, फाइनेंशियल गेन्स होने का योग बन रहा है, रिश्ते नाते संबंध आज आपके सुधरेंगे, सेहत आज आपकी मध्यम रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मध्यम रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक हैं थोड़ा सा विरक्ति की हालत में। प्रेम प्रसंगों में कुछ विच्छेद होने का भी योग है। दांपत्य जीवन की खुशियां यहां पर पहले से बेटर हैं। और कैरियर की अगर हम बात करें तो संघर्ष करने के बाद सफलता का योग। जॉब करते हैं अधिक मेहनत करने की सलाह। बिजनेसमैन है तो बिजनेस में एक्सपेंशन के योग चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप नए गठजोड़ बनाकर, नए समीकरण बनाकर काम करते हुए नजर आएंगे। वैसे आपकी निपुणता में भी इस समय जो थोड़ी सी कमी आपको लग रही थी तो वह अब आपकी दूर होने वाली है। सेहत को लेकर जो परेशानी आने वाली थी वह भी लगभग 1-1.5 दिन के बाद इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जो अपने आप को जो थका थका परेशान महसूस करते थे वो अब 1-2 दिन के बाद बदलने वाला है, क्योंकि बुधदेव आपकी राशि के स्वामी परिवर्तन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे यहाँ पर। हाँ, इनकम की अगर हम बात करें तो वह भी अच्छी नज़र आ रही है, और बचत की अगर हम बात करें तो वह ठीक ठाक नज़र आ रही है। आज दिन आपका पैसे के मामले में अच्छा है। कंपटीशन है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप कामयाब हो जाएंगे। उपाय करना चाहते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कुछ सामान आप अगर डोनेट कर सकें किसी धर्म स्थान पर तो आपके लिए अच्छा होगा। ईंट, रोड़ी, बजरी, सीमेंट, इस सब का दान आप कर सकते हैं।
या फिर आप पैसे दे सकते हैं जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस पर। ठीक है जी, भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए बनेगा क्रीम कलर और भाग्य प्रतिशत यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है मात्र 65%। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर कहा जा सकता है, भाग्यशाली दिन रहेगा। कैरियर सिर्फ आज आपका फोकस रहेगा, आज अपने बारे में अधिक सोचेंगे, अपने बारे में सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, ऐसा इसमें योग दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैं और मेरी इंप्रूवमेंट कैसे हो, यही आपका सिद्धांत रहने वाला है। सेहत भी आपकी अच्छी नजर आ रही है, विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। हालांकि यहाँ पर पढ़ने का मन थोड़ा सा कम कर रहा है, फिर भी मैंने कल भी एक उपाय बताया था, आज फिर आपको एक उपाय बता रहा हूँ। 1.25 किलो सफ़ेद तिल किसी धर्मस्थान पर बुधवार के दिन दान कर दीजिए, क्योंकि इस समय एग्जाम्स का समय चल रहा है और अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो फिर आपके लिए गलत परिणाम हो सकते हैं, ऐसा ना हो इसलिए उपाय कर दीजिएगा। चलिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक हैं तो थोड़ी मेहनत करने की आज सलाह दी जा रही है, सलाह आप मान लीजिएगा, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। अचानक से धन लाभ इनकम होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं, प्रेम प्रसंगों में सफलता का योग दिखाई दे रहा है, दांपत्य जीवन खुश है, कैरियर आपका अचानक से कोई करवट ले सकता है, बाकी ओवरऑल ठीक है। जॉब करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और बिजनेसमैन है तो भी आपको सफलतादायक दिन आजकल चल रहे हैं, इनकम अच्छी हो रही है, संतान के माध्यम से, प्रेमी प्रेमिका के माध्यम से, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपकी इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, संतान पक्ष से भी कुछ लाभ होता हुआ, मतलब कि संतान की प्राप्ति भी होने का योग चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, बचत की अगर हम बात करें तो भी अच्छी नजर आ रही है। आज के दिन यदि आपका कोई कंपटीशन है, कोई आपका इंटरव्यू है तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा, प्रयास करें सफल होंगे। कंपटीशन और इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आज आप खासतौर पर किसी धर्म स्थान पर धार्मिक पुस्तकों का दान करें, धार्मिक ग्रंथों का दान करें, स्पिरिचुअल टेक्स्ट जिसे हम बोलते हैं, उनका दान करने से आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए आ रहा है पीच कलर और भाग्य प्रतिशत यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है 60%। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन खर्च से भरा हुआ रह सकता है, एक सुंदर योग बना हुआ है। विदेश यात्रा से संबंधित अगर आपको कोई काम अटका हुआ था तो आज आपका पूरा हो सकता है, पासपोर्ट, वीजा, पीआर, विदेश यात्रा करनी है तो आज का दिन आपके लिए बेहतर है। स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ आपका ध्यान लगेगा, गुरुओं के धाम पर यात्रा कर सकते हैं, और सेहत आज आपकी मध्यम रहेगी, मानसिक तनाव थोड़ा सा हो सकता है, अनावश्यक खर्च भी आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो भी खर्च किया जाएगा वो धर्म कर्म पर किया जाएगा, हालांकि भौतिकता पर भी खर्च आ रहा है लेकिन स्पिरिचुअल होने का योग यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, जो भी हो यात्रा करने का योग बना हुआ है, लंबी दूरी की यात्रा, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। अपने घर के बुजुर्गों का, अपने माता पिता की सेहत का जरूर ध्यान रखें, आपकी अपनी सेहत भी थोड़ी सी डगमगा सकती है, अपना भी ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अधिक खर्चीला रहेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक है तो दिन ठीक है, मेहनत करने के बाद सफलता का योग बनेगा, प्रेम प्रसंगों में भी मध्यम सफलता, खर्च का योग, दांपत्य जीवन की खुशियां मध्यम है, कैरियर के लिहाज से दिन अच्छा है। घर से आप कोई काम ऑपरेट करें ऐसा भी योग दिखाई दे रहा है, यानी कि पार्ट टाइम में कोई आप अपना काम कर सकते हैं या घर पर ऑफिस का काम निपटाते नजर आएंगे। जॉब करने वाले जातक बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं, बिजनेसमैन के लिए दिन मध्यम है, इनकम आज ठीक है और अब इनकम बढ़ने का जबरदस्त योग आने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए इनकम बढ़ने वाली है, क्योंकि जैसे ही बुध देव थोड़ा सा अपना और गोचर का मतलब अब परिवर्तन करने वाले हैं एक आधे दिन के अंदर, और जैसे ही परिवर्तन करेंगे लगातार आपके लिए योग बनेगा, इनकम इनकम इनकम, अचानक से इनकम, हर जगह से आपको इनकम होने का एक योग सा बन जाएगा। चलिए बात करना चाहेंगे यहाँ पर बचत की, तो बचत यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रही है, बचत की तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है, करने में कामयाब भी हो सकते हैं अगर थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो। आज के दिन कंपटीशन है, कोई आपका इंटरव्यू है तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा, प्रयास करें अधिक मेहनत करने के बाद, क्योंकि खर्च के स्थान पर बैठे हैं चंद्रदेव तो जहां आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तनाव हो सकता है, उनसे बचकर अपना कंपटीशन करिएगा। काफ़ी ज़्यादा हमसे कहते हैं कि भैया आज कौन सा इंटरव्यू है, भैया विदेशों में भी हमारा ये वीडियो जाता है, वहाँ पर इंटरव्यू भी कंडक्ट होते रहते हैं, और काफ़ी प्लेसेस ऐसे हैं जो संडे को ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि आप आराम से अपना इंटरव्यू कर सकें। बाकी चलिए, कंपटीशन भी हो सकता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी संडे को रखे जाते हैं, तो ये दोनों के लिए ही मेरे लिए मैं बोला करता हूँ इसके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है, उसके बाद ही सफलता प्राप्त होगी। और उपाय करना चाहें तो लाल मसूर की दाल को आपने दान करना है किसी धर्म स्थान पर। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए बना हुआ है केसरी रंग, जो आपके कैरियर में उन्नति कर सकता है और घर के अंदर कुछ ऐसी चीजें लेके आ सकता है जिससे आप बूस्ट कर सकें, जिससे आप शो ऑफ कर सकें। यह रंग आपके लिए बढ़ा सकता है शो ऑफ करने की चीजें आपके घर में। चलिए, और भाग्य प्रतिशत यहां पर नजर आ रहा है 50%। आज धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन सुंदर है। इनकम का गेन होगा, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, बोनस बढ़ सकते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति का योग बनेगा। कोई अटका हुआ पैसा, कोई धन है, कोई रुका हुआ पैसा है, किसी ने आपको पैसा अटका लिया, दे नहीं रहता, तो आज आप प्रयास करना, आपको पैसा मिल जाएगा। तो इसको करके देखा करें, जिस दिन मैं आपको कुछ कहता हूँ विशेष, तो उस दिन करके जरूर देखा करें, आपको पता लग जाएगा कि गोचर के प्रभाव कितने प्रभावशाली होते हैं। चलिए बात करना चाहेंगे यहाँ पर सेहत की, तो सेहत यहाँ पर मध्यम है। विद्यार्थियों के लिए अधिक मेहनत करने की सलाह, मनोवांछित परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक, बहुत अच्छा समय। प्रेम प्रसंगों में सफलता, दांपत्य जीवन की खुशियां, मध्यम कैरियर के हिसाब से अधिक मेहनत, जॉब करते हैं, इंक्रीमेंट, इंसेंटिव, बोनस में वृद्धि का योग बन सकता है। बिजनेसमैन है तो लाभ में वृद्धि आज आपको देखने को मिल सकती है। इनकम के तो नए नए रास्ते प्राप्त होंगे आज आपको, और बचत अभी थोड़ी सी न्यूट्रल चल रही है, कम चल रही है। आज के दिन यदि आपका कोई कॉम्पिटिशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। प्रयास करें, सफल हो सकते हैं। कॉम्पिटिशन इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहें तो आज के दिन आपको सलाह दी जाती है, आज आप किसी धर्म स्थान पर चावल का दान करें, इससे आपकी सफलता का मार्ग जरूर प्रशस्त होगा। और भाग्यवर्धक रंग यहाँ पर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट आपका है केसरी रंग। रविवार का दिन है, ऑरेंज कलर का प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भाग्य प्रतिशत यहाँ पर नजर आ रहा है 65%। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही सुंदर कहा जा सकता है। आज आपके लिए भाग्यशाली दिन होगा, आज आपकी कार्य सिद्धि नामक योग बनेगा, यानी कि जिस काम में आज हाथ डालेंगे वहां पर आपको सफलता मिलेगी। पार्टनरशिप के माध्यम से सफलता, पार्टनर्स के सुख में वृद्धि और मान सम्मान यश की प्राप्ति हो सकती है। कैरियर में विशेष उन्नति भी आपको देखने को मिल सकती है। सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक हैं उनके लिए दिन लगभग ठीक है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता आज आपको मिली जाएगी, क्योंकि कार्य सिद्धि नामक योग बना हुआ, आज आपके काम बनेंगे। दांपत्य जीवन की खुशियां अच्छी हैं। कैरियर के लिहाज से दिन सुंदर है। पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, पिता से आपके संबंध अच्छे होंगे, राज्य पक्ष से आपके कोई काम अगर अटके हुए थे तो वह पूरे हो सकते हैं। और जॉब करने वाले जातक हैं तो उनके लिए भी दिन ठीक है। बिजनेसमैन के लिए भी दिन लगभग मध्यम रहेगा। इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम आपकी अच्छी नजर आ रही है, और बचत भी आपकी लगभग ठीक है। आज के दिन यदि आपका कोई कंपटीशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बना हुआ है। प्रयास करें, सफल होंगे। कंपटीशन इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहें तो भैया हरी सब्जियों का दान, हरे फलों का दान आज आपने करना है। कहां पर? धर्म स्थान पर। देखो, कोशिश होती है कि मैंने बहुत आसान से सरल से उपाय बताऊं जिसको हर व्यक्ति कर सके। कई बार फाइनेंशियल पोजिशन ऐसी नहीं होती, बाकी खैर मेरी तो वो आदत ही नहीं रही है कि मैं ऐसे कोई महंगे उपाय बताऊं। बहुत ही सिंपल और सरल से उपाय और सिद्ध उपाय बताने का प्रयास करता हूं, जिसे हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है और हमारे गुरुओं ने भी हमें बताया है, और हम उसी को करके भी लाभ भी उठा रहे हैं, दूसरों को भी बता रहे हैं, जिससे वह भी लाभ उठा रहे हैं। करके देखें। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए साबित हो सकता है, कोशिश कर लेना आज आप ग्रीन कलर का प्रयोग करना। और भाग्य प्रतिशत यहां पर आ रहा है 60%। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत ही मध्यम कहा जा सकता है। हालांकि धर्म क्रम में विशेष रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी, धर्म की हानि भी हो सकती है। जितना धर्म का पालन करेंगे, जितने बुजुर्गों की सेवा करेंगे, जितने अपने बड़ों का सम्मान करेंगे, उतना आज आपका भाग्य बढ़ेगा। जितना धर्म की अवहेलना करेंगे उतना भाग्य घटेगा। आज कॉम्पिटिशन के माध्यम से जॉब नहीं है तो जॉब लग सकती है, कोई उसकी आपको खबर मिल सकती है। सेहत आज आपकी अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जो जातक हैं उनके लिए दिन अच्छा है। प्रेम प्रसंगों में भी सफलता का योग है। दांपत्य जीवन की खुशियां भी अच्छी हैं। कैरियर के लिहाज से भी दिन अच्छा है। जॉब करने वाले जो जातक हैं उनके लिए दिन अच्छा है। बिजनेसमैन के लिए दिन अच्छा है। इनकम मध्यम है और बचत यहाँ पर ठीक ठाक नजर आ रही है। आध्यात्मिक मोक्ष प्राप्त करने का कोई योग चल रहा है इस समय। आखिरी पॉइंट है, जाता जाता केतु महाराज का जो यह गोचर है आपको मोक्ष दे सकता है। इस समय अगर आपने अपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को अपना लिया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा लंबा समय लगेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकम बचत बता दिया मैंने। आज के दिन यदि आपका कोई कंपटीशन है, कोई आपका इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का योग बनेगा। प्रयास करना, सफल होंगे। कंपटीशन इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए यदि आप कोई उपाय करना चाहें तो आपको सलाह दी जाती है कि आज आप खास तौर पर चीनी का दान किसी धर्म स्थान पर करें या फिर किसी मीठे का दान कर सकते हैं। भाग्यवर्धक रंग आज आपके लिए आ रहा है केसरी कलर और भाग्य प्रतिशत यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है 65%। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि रहेगी। आज संतान को लेकर, प्रेमी पक्ष को लेकर, अपनी एजुकेशन को लेकर थोड़े से अज्ञात भय आपको सताएगा आज थोड़ा सा, इसलिए निश्चिंत होकर रहिएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, घबराने से कुछ मिलने वाला नहीं है। जो भी लाइफ में चीजें आती उन्हें फेस करिए बस। जो योग तो ग्रह गोचर चलता रहेगा, कभी कभी आपको अच्छे फल मिलेंगे, कभी आपको बुरे फल मिलेंगे, वो सब डिसाइड होते हैं आपके अपने कर्मों पर। अपना कर्म आप अच्छा करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अगर आपने कर्म गलत किए हुए हैं तो आपको फल वैसा ही मिलेगा। अगर आपने कोई कर्म नहीं किया हुआ, आपने मतलब कोई कर्म ही नहीं किया, तो आपको फल भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने कर्म को करते चलें, अच्छे कर्म योगी बनते हुए अच्छे कर्मों की तरफ आगे अग्रसर रहें, तो आपको यहाँ ग्रह नक्षत्रों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए सेहत की अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव थोड़ा सा होने का योग बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ी बाधाएं झेलने के बाद ही काम बनेंगे आपके। आज थोड़ा सा पढ़ने पर ध्यान लगाइएगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातक हैं, उन्हें भी थोड़ी सी बाधाएं हो सकती हैं। प्रेम प्रसंगों में भी मध्यम सफलता, थोड़ा सा गड़बड़। दाम्पत्य जीवन की खुशियां यहाँ पर कम नजर आ रही हैं। कल के बाद से ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। कल के बाद से विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छे शुरू हो जाएंगे। चलिए और कैरियर के लिए आज से दिन अच्छा है। जॉब करने वाले जो जातक हैं उनके लिए विपरीत परिस्थितियां देखने के बाद सफलता का योग। विषम परिस्थितियां पार कर लेंगे तो सफलता, नहीं तो परेशानी। और बिजनेसमैन के लिए खर्च का योग अधिक दिखाई दे रहा है। इनकम अभी इतनी नहीं हो रही है और बचत यहाँ पर मध्यम है। आज के दिन कॉम्पिटिशन है, कोई इंटरव्यू है, तो उसमें आज आपको सफलता प्राप्त होने का करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले बता दूँ, कॉम्पिटिशन इंटरव्यू में सफलता हासिल करने के लिए कोई उपाय करना चाहें तो आज गेहूं का दान किसी धर्म स्थान पर करें। भाग्यवधक रंग आज आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर पिंक कलर और भाग्य प्रतिशत यहाँ पर आ रहा है 65%। दर्शकों यह था आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए हरिओम हरिओम हरिओम।